आज की जो हमारी गेस्ट है, अदबी हलकों में इनको खवातीन का इकरारुल हसन भी कहा जाता है। इनकी मूवीज और वीडियोस रिलीज नहीं होती, लीक हो जाती। आपकी भरपूर तालियों में हरीफ जान, हैव अ सीट, वेलकम टू पीबीएच। कैसा लग रहा है मेरा पेट क्राउड? अभी देखूंगी कैसा लगेगा। ये मुझे लगता है आखिर तक ताबिश ताबिश नहीं कर रहे होंगे, ये फिर हरीम हरीम करे। नहीं, ये आखिर मैं बहुत ताबिश ताबिश करती आई हूँ। हरीम कैसा लग रहा है आपको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे भी आपको देख के ये हमको बात नहीं करने देंगे। मेरे ख्याल से हम शो बैक स्टेज रिकॉर्ड करा। आप इनके ज्यादा हावी हैं मेरे ख्याल में। जी ठीक। अच्छा हरीम, पहली बात पहले कर लूं ताकि बाद में ना हो। कर लें। ये नाम क्यों बदला भाई? मैंने कहा अपनी पहचान छुपा लूं, किसी को पता ना चले। दूसरों को एक्सपोज करके अपनी पहचान छुपा लूं। सेफ, बहुत सेफ। ठीक, तो कोई रीजन था किसी ने कहा ये? कोई मुझे ट्रेस ना कर सके मेरे ओरिजिनल नेम से ना, तो मैंने कहा ट्रेस ना हो जाऊं, कहीं भी छुप जाऊं। इतनी नॉलेज दी किसने कि पकड़े जाओगी, ये करो, ये कौन है पीछे? पीछे दिमाग पीछे है किसका? अपना। अच्छा हरीम, क्योंकि आपको देखते हैं और आप, हम तो खैर अवामी लोग, मिडिल क्लास, ये हम ये कहते हैं हरीम के पीछे कोई ना कोई है। हरीम के पीछे कोई है? मेरे पीछे मेरा साया। और अगर सूरज पीछे हो तो साया आगे। तो हरीम ने एमफिल किया हुआ है? या मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट एमबीबी। तो क्या हुआ, पास नहीं हो पा रहा है? नहीं, जो मेरे सब्जेक्ट है, मैंने चुनावी ऐसे सब्जेक्ट का किया था, मुझे पता था कि ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है। तो जो चीज मैं कर नहीं सकती तो उसकी तरफ मैं जाती नहीं हूँ, तो बहुत इजी था मेरे लिए उन सब्जेक्ट। वेरी गुड। एमफिल में जो एम है जी, जो किस चीज से फिल हो रहे हैं? एमफिल से ही फिल हो रहे। तो अब इरादा है डिग्री कंप्लीट करने का या काम अच्छा चल पड़ा है? नहीं, मुझे ये शौक था कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे, और वो वैसे तो बन नहीं सकती डॉक्टर, लेकिन जब पीएचडी करूंगी तो ऑटोमेटिकली नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। तो मैंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा। जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं इसमें भी आप आगे जाएं, अक्सर लोग डॉक्टर बने जानवरों के। और अच्छा, कहाँ से करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले तो बताएंगे कि हरीम शाह कौन है, क्या प्रोफेशन है हरीम शाह का? एक रिकॉर्ड पे आ जाए भाई, हरीम शाह ये है। हरीम शाह एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही बलफर है, बहुत ही नाडर है, बहुत ही बेबाक है। दूसरों के हुक्म अपने ऊपर सादर नहीं होने देती, और वो नहीं चाहती कि मुझ पे कोई और मुसल्लत हो। वेरी एस्टेब्लिशमेंट जैसी है हरीम शाह। जो भी समझे लोग, जो भी समझें, जैसा भी समझें, जो भी सोचें, आई देम यू ओन इट। ठीक है, आई देम केयर। और Which profession do you belong to? बहुत सारे profession हैं जो कि अभी पाये तकमील तक पहुंचते हैं, और बहुत सारे incomplete हैं, और बहुत सारे impossible हैं। अब कोई एक नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरा profession। नहीं, जैसे होता है ना, मुझे कुछ को पूछे यार आप क्या है, मैं बोलूंगा यार मैं supply chain professional हूं, या मैं अभी मैं कुछ भी नहीं हूं। जो मैं करना चाह रही थी वो अभी तक मैंने नहीं किया, तो अभी तो अभी अभी नहीं किया है वो। अभी मैं दरमियान में हूं। अभी मैंने अपने बहुत सारे कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने, तो अभी तक मैं उसको अपनी अचीवमेंट भी नहीं कहती, कामयाबी भी नहीं कहती, और कुछ भी नहीं कहूंगी अभी। दूसरों की बर्बादी तो कह सकती हूं उसे। अच्छा, कहां से शुरू किया, आइडिया कहां से आया कि मैं सोशल मीडिया पे आऊंगी या मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी, ये स्टार्ट कहां से हुआ? हॉस्टल में थी, मुझे शुरू से शौक था कि मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ने। अच्छा। और चूंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती थी, जहां के लोग बहुत ही सिंपल से, और आपको पता है विलेज का कैसा हुआ है, तो बस जो भी मेरी ख्वाहिश होती थी वो पूरी हो जाती थी, और मैं अपने पूरे खानदान में वाहिद लड़की थी कि जिसने हॉस्टल का कहा और परमिशन मिल गया। तो वहाँ पे आई तो ऐसे ही हम क्लासे वगैरह बंक करते थे, हॉस्टल में होते थे, तो ख्याल आया कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि एक ऐप है उस पर वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मुझे तब वीडियो बनानी आती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा। अब तो आती है, अब बहुत कुछ आता है। तो तब ऐसे ही, और मुझे नहीं पता था कि लाइक इतना फैन फॉलोइंग होगी, इतना क्रिटिसिज्म होगा, जहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ वहाँ पे कामयाबी, प्यार भी मिला। जी, प्यार कामयाबी भी मिला, थोड़ा बहुत पैसा भी मिला। पैसा तो आपकी लक है। हाँ, लकी है। और ये बताएं कि हरीम टिकटॉक से कैसे पैसे कमाते हैं? टिकटॉक से
टिकटॉक बेसिकली खुद तो पे नहीं करता, लेकिन इसके थ्रू बहुत सारी कंपनियों ने, सबसे पहले मैं एक कंपनी थी दुबई में, उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी, और जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी 6 लाख थी, तो मैं हैरान हो गई। तो मैं शुरू में आप 6 लाख देखते तो आप 6000 के लड़के हैं हम लोग, मेरी फर्स्ट सैलरी 6 लाख थी, और फिर मैं बहुत ज्यादा वही थी और रोई थी, रोई नहीं थी, बहुत खुश हो गई थी, ऑफ कोर्स 6 लाख में तो खुश होगी, लेकिन अब 6 लाख भी कम, अब तो 6 लाख ऐसे ही पानी खा लेती होंगी 6 लाख के तो आप। हाँ नहीं, मैं पान नहीं खाती, मुझे पान वाले लड़के भी नहीं पसंद, या मुंह में डाला, मैं भी नहीं खाता, मैं खुद पान के खिलाफ चल रहा हूँ। कराची के लोग बहुत खाते हैं, और उनको यही कहूंगी कि मत खाया करें। क्या खाएं फिर? पान मत खाया करें, करियर खा जाएं किसी का। नहीं, जो लड़के मेरे ख्याल में पान खाते होंगे, लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, खामोश रहते ना वो लड़के, खामोश रहते हैं, ऐसे लड़के चाहिए। मुझे तो पान वाला नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल। कैसा चाहिए? मुझे लड़के चाहिए। हम शादी करने, कोई बात सही। या आप खुद कह रही, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पूछा भी नहीं। नहीं, मुझे अभी लड़का नहीं चाहिए। अभी? अभी नहीं चाहिए। अभी। अच्छा, वकार ज़का के लिविंग ऑन द एज में भी पहुंची। मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा। फिर अब आगे क्या पूछूं? आगे जो भी पूछना है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मुझे पता है, वो सबके अच्छे फ्रेंड है, पूरे मुल्क के अच्छे फ्रेंड है, वो अच्छे आदमी है, वकार ज़का अच्छे आदमी है, जैसा आपको स्क्रीन पे लगते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छे। अच्छा, ऑफ स्क्रीन ज्यादा अच्छे? ऑफ स्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छे। रूहानी ताकतें उनके, कह सकते हैं शक्ति है उनके पास, शक्ति है उनके पास, शक्तिमान है, शक्तिमान है, हनुमान है। सही है, सही, नहीं ठीक है। अच्छा, वकार ज़का ने आपसे ऐसा क्या कहा था कि आपको उनकी वीडियो, एक वीडियो बनानी पड़ी उनके नाम से, मतलब शेख रशीद वाला जो मामला था वो? हाँ, वो एक्चुअली तब हम दुबई में ही थे, तो हमने वहाँ से, हमसे एक बस फन में हमने शेख रशीद की वीडियो अपलोड कर दी, हमें नहीं पता था कि मजाक उनका करियर तबाह हो जाएगा। हमने थोड़ा, हमें नहीं पता था कि मतलब इतना ज्यादा वो होगा, हाईलाइट होंगे, लेकिन वो तो फिर उमरा करने चले गए थे, वहाँ से दुआएं कर रहे थे, वहाँ हरीम से बचा लेंगे हमने मुझे। अच्छा, वहाँ पे बस। आपने अपने पीछे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पे, अब ज्यादा ही हो गए होंगे। 6 हो गए, जब तक सवाल लिख रहे थे 2 थे। मेरा ये तीसरा अकाउंट है। ओके, तो मिला के 6 हो चुके हैं? नहीं, इस पे 6 हो चुके हैं, बाकी सब अकाउंट हैक हो गए। सबसे पहले अकाउंट बनाया वो जब हमने शेख रशीद लोगों की वीडियोस वगैरह अपलोड की, हमारा अकाउंट उड़ा दिया गया। ऑफ कोर्स उड़ेगा, उड़ेगा। और फिर उसके बाद बनाया, और फिर बीच में गया, अब तीसरा अकाउंट में थे। अब किसकी बनाएंगे उड़ाने के लिए इस अकाउंट को? कह रहे हो क्या, दोबारा आ जाते हैं फैन हाथ की मैंने। तो आपने मिलियंस लोगों, मिलियन लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों के आप पीछे लगी। मैं बहुत कम लोगों के पीछे लगती हूँ, ऐसे जिसके लग जाती है पीछे, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सुना होगा बचपन में हम ये पढ़ते थे जुमला। तो ये संदल खटक कहाँ कहाँ काम आई? संदल खटक थोड़ी डरपोक हैं, डर जाती हैं, सहम जाती है। और मेरा ये कि मैंने कभी इसको अपने काम के लिए, मफाद के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। दोस्त है, मोबाइल पीने का तस्वीर खींच दो, तुम बनाना वीडियो, ये तो ये भी नहीं काम। उस बेचारी पे वैसे ही मेरी वजह से इल्जाम आ जाते हैं। Okay. वो बहुत अच्छी है। अच्छा। मेरे साथ वो भी थोड़ा हो जाता है। अच्छा, जिंदगी में कोई आस्तीन के सांप है आपके पास? बहुत सारे। कोई एक खास आदमी जिसको आज आप कन्फ्रंट करना चाहें, तुम हो वो सांप? मेरे अपने दोस्त। अच्छा, दोस्त ही सांप है? सारे सांप हैं मेरे, तो सारे सांप हैं। मैं तो एक उस दिन पामिस के बैठ गई थी, मैंने कहा मेरी हाथों की लकीरों में ऐसा क्या है कि जिस, जो मेरे दोस्त होते वही आस्तीन का सांप होते। कहते आपके लकीर नागिन है, आपकी लकीरें नहीं, नागिनें बनी हुई हैं। हाथ ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, बहुत वो होते हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। कहाँ कहाँ गई? बहुत सारी कंट्री में गई हूँ, बहुत सारे। वीजा कौन लगवा के देते हैं? हमें तो नहीं मिलते, हमें नहीं मिलते वीजा, हमें तो पूछते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, कहाँ से, क्या नौकरी है, कितने बच्चे? वीजा बहुत इजीली मिला, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे कैसे। मोस्टली कंट्री में मैं गई हूँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से। अच्छा। और बहुत कम कंट्री ऐसे हैं जिसमें मैं खुद जहाँ पैसे खर्च हुए। हम लोग कोरोना में गए हुए थे श्रीलंका, मालदीव, जब हम गरीब घरों में बैठे हुए थे, कमरों में बैठे हुए क्वारंटीन कर रहे थे, मच्छर मार। उस वक्त मतलब कुछ कंट्री ऐसे थे जिनमें आप जा सकते थे ना। तो कौन कोई ऐसा मुल्क जो देखना चाहती हैं अभी तक देखा ना हो? ऐसे मुल्क को देखो ही क्या जिसकी हसरत रह जाए। वाह वाह, अमेरिका गई? नहीं, अमेरिका भी मैं नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह जब जाएंगी तो बस ट्रंप फतह करके आएंगे। हो सकते फतह कर लूं, नहीं छोड़ूंगी। मैं धमकी दे चुका हूं आपके नाम की। उसने वैसे भी मिलेनिया को आई थिंक डिवोर्स दे दी। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं दी, सब अफवाहें, इतनी जगह अभी अभी है वो मिलेनिया। अच्छा, सबसे फेवरेट सेल्फी किसके साथ थी? इमरान खान। और वो
इसलिए कि हम लोग खान साहब के घर गए बनिगाला और बहुत अच्छा कैसे गए पहले तो यहाँ से शुरू करें, इतने कैजुअल नहीं चले गए, ऐसे आम से नहीं चले गए आप? मैं पीटीआई के साथ मुंसलिक थी, अभी भी हूँ, तो मुझे वो भी कि मैंने खान साहब के कंधे पे हाथ रख के जब तस्वीर बनाई, रखने दिया उन्होंने, कहा नहीं हो भाई, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों ने बहुत कुछ कहा, हटाओ हाथ हटाओ हम रखेंगे ऐसे नहीं। हो सकते देखें अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और हमारे लिए तो बहुत, हाँ बिल्कुल, तो अगर उनके किसी को मौका मिल गया कंधे पे हाथ रख के पिक बनाने का तो, और ऐसा नहीं है कभी उस कंधे पे किसी ने हाथ नहीं रखा, बहुत सारियों ने रखा होगा लेकिन मख्फी रखा ना, मैंने सबके सामने रखा, अच्छा बाकी चुप के रखा हुआ, कुछ आईनी हाथ भी है उनके ऊपर सुनाएंगे, पीरनी ने चुप के रखा था, सरेआम रखा, वेरी वेरी, तो उन्होंने भी उन्होंने कहा अच्छा चलो रख लो कोई बात नहीं, ओके जो नहीं उन्होंने स्माइल पास की थी कुछ और, इन हालात में भी मुल्क इस हालात से गुजर रहा है, मुस्कुराना तो सदका है और सदका देते रहते, सदका। अब बात यहाँ तक आई गई है तो पूछ डालूं इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए कि फॉरेन मिनिस्ट्री में जब आप गई तस्वीरें ली तो लोग जले आपसे, यार हम सभी जले यार, ये पहुंच गए हम नहीं पहुंचे, तो कैसे पहुंच गए, कौन लेकर गया, हम क्यों नहीं जा सकते? नहीं मेरी वहां पे एंट्री थी ना, परमिशन लेके गई थी। हाँ, अच्छा परमिशन लेके जा सकते हैं, आपकी गाड़ी की एंट्री हो, आपको परमिशन हो तो आप जा सकते हैं। अब मैं फोन करूंगा मुझे आना है फॉरेन मिनिस्ट्री तस्वीरें खींचनी, तो कहेंगे हाँ गाड़ी का नंबर लिखा दी, वेरी गुड, बड़ी आसान, मेरे लिए तो आसान था, मेरे लिए आसान नहीं है, लड़कों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, ये एक तारीखी स्टेटमेंट है, ये एक तारीखी जुमला है, लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल हो, इसमें बहुत सारे जवाब हैं, जो भी समझे, हाँ इसमें से शायर जो है ना तशरीह जब करेगा ना, वो शायर की मर्जी, अच्छा कोई लेकर नहीं गया, मतलब ये फॉरेन मिनिस्ट्री में आपने साफ क्लियर कह दिया, खुद गई फोन किया डाल दिया, ये नहीं था कि कोई लेकर गया फयाज चौहान वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं फयाज चौहान खुद नहीं जा सकते तो मुझे क्यों, अच्छा कभी मौका मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का, जो आइंदा आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा आपको, तो कौन सी ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करने का अगर मुझे पर्सनली मौका मिला तो मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, यार कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं आया जो कोई पार्टी और ज्वाइन करना, सब पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे हैं, आर्टिस्ट फ्रेंडली पार्टी है या उसके अंदर सिर्फ फ्रेंडली पार्टी है, क्या है उसके अंदर? उसके अंदर बिलावल है, बिलावल की फैन है या क्रश है, क्या है? क्रश क्रश नहीं हूँ, फैन हूँ, फैन हूँ, क्रश तो वो बहुत आगे वाला था, क्रश मुझे हर चीज वो चीज अच्छी लगती है जो सबसे यूनिक होती है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मुनफरिद पर्सनालिटी वो यूनिक है, हर एक का अपना वो है, खान साहब कॉमन पर्सनालिटी है, खान साहब बजाते खुद बहुत अच्छे हैं, बट उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से उनकी पार्टी थोड़ा सा, दो चार नाम दे दें ताकि खान साहब की हेल्प हो जाए, वो निकाल दे वो उनको खुद भी पता है ना, निकाल नहीं रहे उन्हें, उनकी मजबूरी है, उन्हें कोई मजबूर कर रहा है क्या? ठीक, गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं गहराई में नहीं जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ मजबूरियां, समझ रहा हूँ मजबूरी का नाम शुक्रिया, शुक्रिया नाम है, क्योंकि आप शेख रशीद से भी मिली तो मेरा एक शो था, अभी मैं जीटीवी से एक शो होस्ट कर रही हूँ ना, तो मैंने कहा शेख रशीद को अपने शो में इनवाइट करूंगी, कभी भी नहीं आएंगे, तो मैंने थोड़ा आवाज चेंज करके उनको मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बात कर रही हूँ, तो आप मेरे शो में आना पसंद करेंगे? कहते हैं आप अभी दो तीन दिन बिजी हूँ तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी, मैंने आवाज़ चेंज करके जाना, तो मैंने कहा चेंज करके उनको अगर मैंने शो में बुला लिया तो अगर मुझे आगे देखेंगे मैं बैठी होंगी तो वो बुरा मान जाएंगे, वहां से ही चले जाएंगे, ऐसा क्या है, क्या है, डरते हैं आपसे? नहीं डरता तो वो है जो खुद मेरे ख्याल में चोर, पहले तो चोर, वो चोर नहीं, नहीं चोर तो नहीं है आला ना सारा बहुत सारों ने तो मेरे नंबर भी अभी ब्लॉक किए हुए, डर गए आप, शाहजहां हसन चौहान साहब ने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक किया हुआ, करना पड़ा उन्हें, बेगम ने कहा होगा बंद करो आप ये नहीं, मतलब उनका और मुबशर खान की वाइफ का मसला हो गया था ना, जाहिर बात है अरीम, उन्होंने तो बंद करना ही था, उन्होंने शुगर करें, उन्होंने सिर्फ मोबाइल ही बंद किया, वो तो अपनी जिंदगी का दरवाजा ही बंद कर सकते थे, मुझे तो आज तक कुछ नहीं कहा, आपको कुछ नहीं कहेगा कोई, आपको कोई कुछ कहने की, मुझे कभी डांटा भी नहीं, प्यार से रखा, अच्छा शेख रशीद आपका मतलब आपको लगता है कि अगर आप उन्हें फोन करें अभी कर लें और उठा लें, कर लेती हूं, ट्राई कर लेती हूं, ट्राई करें, फोन लाओ फोन कहां गया, फोन कहां गया, माइक के करीब, ओके शेखू के नाम से सेव किया, तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियात कीजिए,
अस्सलाम वालेकुम। ठहर के जरा रिंग करें, प्लीज अभी बात करें ना। है नहीं? अभी बात करें, अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बकवास बंद करें। मैंने अभी उठा लेंगे, उठाते तो भाई अभी उनका सवाल आएगा फिर उन्हें। ठीक है, उनका नहीं नहीं तो अच्छा, शेख रशीद साहब की जिनसे अभी हमारी गुफ्तगू हुई तो उनकी वीडियो वायरल हुई आपने की माशाल्लाह, तो उसके मतलब उनकी वो है कि हमने फन में जो भी किया उसके बावजूद वो हमसे बात भी करते हैं, दोस्त भी हैं अच्छे, फोन भी कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे। कंट्रोल पता नहीं वो आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कंट्रोल मतलब वो नाराज नहीं हो पा रहे आपसे, नाराज कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, और ना ऐसा स्वीट आदमी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और लगा भी उनकी उनकी वीडियो वायरल करने का मकसद सिर्फ ये था, फन तफरी, वेरी गुड। मुझे ये बताएं जो मुबशर लुकमान साहब हैं यार, ये इनको मतलब इनके पास जहाज कहाँ से आए? ये तो मैंने सवाल उठाया था, उठाया था। उनके उन्होंने मुकदमा कर दिया हस्ती खेलती लड़कियों के खिलाफ, दो छोटी नन्नी मुन्नी बच्चियों के खिलाफ। एक्चुअली उनको उनको ये था कि मेरा जहाज एक्सपोज हुआ, दूसरा ये कि एक एंकर के पास जहाज कहाँ से आया, तीसरा ये कि उनको दिया था मलक रियाज। ये पता है आपको, डिटेल्स हैं, डिटेल्स हैं। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो शायद आपको भी ना पता। ऑफ कोर्स मुल्क के सीक्रेट्स हैं आपके पास। बहुत सारे हैं, काफी आते हैं। बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक सीक्रेट्स हैं वो ना लीक करिएगा। अब लीक करने से तौबा कर लिए? कर लिया आपने, करवाई गई है कि कर लिए खुद? नहीं, किसी ने तौबा नहीं, मुझसे कोई अगर तौबा कराता तो मैं कभी किसी के कहने पे, मैंने कहा ना कि कोई मुझ पे मसलत कभी नहीं हो सकता। सर पे कफन बांध के निकली है लड़की, जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आपको तो कोई कुछ ना जरर पहुंचा सकते और ना फायदा उस वक्त तक जबकि अल्लाह की मर्जी शामिल ना। क्या बात। अच्छा अब ये है कि मुफ्ती कवि साहब जो हैं माशाल्लाह मुफ्ती हैं और आपसे बहुत फ्रैंकनेस है। सवाल मुझे बेटा सवाल पूछने दो, बेटा फ्रैंकनेस है तो ये उनकी तरफ से कदम बढ़े या आपने कुछ पिन तोड़ी? कदम नहीं, एक्चुअली पहले ऐसा कुछ नहीं था तो मेरे खिलाफा के बातें करना मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कभी तक मुफ्ती के साथ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिस वक्त कुछ भी ऐसा हुआ शायद बात की या कुछ भी करूँगी पूरी दुनिया को पता होगा, मेरे फैन को पता होगा, तो जब पहली कॉल मैंने उनको की थी तो सबसे पहले मैंने अपलोड किया कि आज मेरी बात हुई, ये झूठ से कह रहे थे पहले कि मेरी बात होगी, सेक्रेटरी के थ्रू रब्ता किया उसको मैंने, इस्लाम की दावत, तो एक खुद इस्लाम मतलब ऐसी झूठी बात नहीं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने कहा एक बंदा खुद तमाशा बनना चाहते तो मैं वो बनना भी चाह रहे थे, ज़ाहिर है मुझे बार बार डिस्कस कर रहे थे, और मुझे गुस्सा इस बात का आया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब इतने सीनियर सहाफ़ी इतने अनप्रोफेशनल हैं कि जिनको रेटिंग के लिए या उसके लिए मतलब कोई भी बात बेबुनियाद झूठी बात जो मुसद्दिका ही नहीं है, हकीकत ही नहीं है, तो मुझे गुस्सा उस वक्त आया कि जब मुबशर लुकमान ने अपने यूट्यूबर सो कॉल्ड चैनल बनाया हुआ और उस पर उसको बुला के और कहते हैं कि वो टिकटॉक इसलिए नहीं बना रही कि आपने निकाह कर रखा है तो वो आगे से हंस रहे हैं, तो मैंने कहे थे नहीं मैं इनको जरा तो मुबशर लुकमान को तो बहुत पहले सिखा चुकी थी तो ये रहते थे, इनको भी सिखा दिया। सिखा दिया आपने? अच्छा कुछ सीखे हैं या अभी भी आपके मतलब बात बात कर लेते हैं? किस नहीं कौन मुफ्ती साहब जो हैं अभी भी उठाते हैं? हो जाए खामोश, मैं मुफ्ती साहब से बात करूँगा। मुफ्ती को भी मुफ्ती से की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब किधर हैं? मैं तो ये तो मुफ्ती का नंबर है, प्लीज उनको कॉल नहीं, एक जरूरी फतवा पूछना है अभी। जी? मुफ्ती साहब को कॉल नहीं, एक फतवा पूछना है, लोग बैठे हुए हैं। क्या पूछना है मुझे बताएं? आप तो मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती को दें फोन। एक मिनट आपकी बात करवाता हूं। जी कराएं। आपका नाम क्या है? शाजिया। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिंध से बात कर रही हूँ।
मुफ्ती साहब से बात अभी नहीं हो सकती, उन्होंने खवातीन के साथ अभी फिलहाल बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो बात कर लेंगे, आप बात करा दें। नहीं नहीं, अभी बात नहीं हो सकती, वो जरा दूर है। और नेक्स्ट टाइम किसी और का फोन मत रिसीव करना, ठीक है ना? ये उनका पर्सनल नंबर है, आपको किसने हक नहीं दिया किसी और की कॉल उठाए। ठीक है जी। मुफ्ती साहब डर गए। अभी कल परसों मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कैसे मुफ्ती साहब, क्या हो रहे? कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक दर्द है। अच्छा, अगर ऐसी कोई वीडियो आपकी लीक हो जाए जो आप नहीं चाहती हैं कि लीक हो, तो हाउ वुड यू फील? ऐसा पहले कुछ करो ही ना कि लीक होने का डर हो। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है, वो उसने तो लीक होना है, फिर फायदा क्या? हाँ, तो मेरे ख्याल में अल्लाह से डरो, लोगों के आगे मतलब अपनी झूठी इज्जत और वो ना करो, एक लुबादा और के वो ना करें। तो मेरी लीक होगी तो मैं कहूँगी एंजॉय करें। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे भी करते हैं, ये इनका काम ही है, एंजॉय करना। अच्छा, हरी धमकियां मिलती हैं? कभी नहीं मिली। धमकियां भी मुझे धमकी मिले मैं फौरन साइबर क्राइम चली जाती हूँ, लेकिन आज तक नहीं मिली। एक ही लड़की ने मुझे धमकी दी थी, और लड़की ने दी धमकी, लड़की मुझे कभी किसी मर्द ने, किसी लड़के ने, किसी ने भी धमकी नहीं दी। यार, हम कितने अच्छे। और कभी भी किसी की तरफ से थ्रेट नहीं मिला। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ही थी आयशा, उन्होंने मुझे धमकी दी। मैं उसी वक्त गई और मैंने कहा कि एक लीगल वे है, आपको कोई, उसी वक्त मैं FIR कटवा के उस पर इतने दफे लगा के आई हूँ, अभी तक रुपोश है अभी तक। मुझे क्यों थ्रेट किया, मतलब आपको कॉल? हाँ, अभी पता चला इस्लामाबाद में कोई वाकया हुआ था, वो मारम पिटाई का भी कुछ अभी खबर देख रहा था। वो आयशा की ही मैं बात कर रही हूँ जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन, वो मेरी दोस्त है और मेरी बहुत पुरानी दोस्त, मतलब बहुत पुरानी दोस्त थी मेरी, ऑलमोस्ट 3-4 साल। तो मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब मेरे घर के अंदर इंटर हुई सब, तो मैंने उन पर FIR करा ली है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाऊंगी इंशाल्लाह। एक आम आदमी का, जैसे मैं हूँ या बहुत सारे लोग ये बैठे हुए, वी थिंक यार ये एक इम्पॉसिबल है, इतना फ्री एक्सेस टू दीज बिग नेम्स लाइक शेख रशीद हो गए, या खान साहब हो गए, या पार्लियामेंट हो गई, या फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, जहाँ जहाँ आपकी अप्रोच है, मेरी नहीं, किसी की भी नहीं हमने से, तो why does it look like so easy for you? देखिए, अभी जो शेख रशीद के साथ हमने वो भी किया था, उनकी वीडियो जो वायरल करके, और मतलब गलत किया, शरारत की अपनी तरफ से, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अभी मैंने अपने पर्सनल नंबर से उनको कॉल किया, तो उन्होंने आपके सामने पिक की मेरी कॉल, मतलब पिक की बात की। तो मैंने उनके साथ मजाक किया, तो उनको पता है कि उन्होंने आगे से मेरे साथ मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात की, तो आपने खुद देखा। तो मतलब जो दोस्त हैं बने कैसे हैं दोस्त, ये फ्रेंडशिप्स कैसे तरह संभाली है, कि वो जो हैं MQ के क्या थे, छोटे कुडू फारूक सत्तार। फारूक भाई आ चुके हैं, मैंने उनसे पूछा आपके हरीम शाह से कैसी बातचीत, शर्मा आ गए। मेरी बात सुने, उनकी और हमारी मुलाकात थी, वो कह रहे थे कि जब भी कराची आए आप हमारी गेस्ट होंगे, ये कह रहे थे। हाँ, हमसे कह रहे थे फैन, कह रहे किसी ने मिलवा दिया फैन है। वो आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये आपके शो का लोगो है ना, तो सबको पता होगा यहाँ पे पिक के ये ताबिश का शो है, ये ताबिश का सेट है। वो PC के अंदर की एक पिक थी, और उसमें कर्टन वाजे तौर पे, सोफा वाजे तौर पे, टेबल वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि ये PC का उस वो है, लॉबी है बिल्कुल, और वहाँ पे पिक है। तो कहते हैं कि वो मुझे पता नहीं चला, मैं पहचानता नहीं था, किसी लड़की के साथ मेरे ऑफिस में आई, और मुझे बाद में लोगों ने बताया कि हरीम शाह है। ये कहा मैं भी। हाँ, तो मतलब इतना झूठ क्यों बोलते हो? आपने लोगों को मतलब अपना वो करने, जब आप मतलब एक चीज को फैज ही नहीं कर सकते, तो फिर किसी लड़की से क्यों बात करते हो कि मुझसे मिलो या मैं तुमसे मिलूं। हरीम, अभी भी जवाब आपने दिया नहीं, लेकिन मैं आगे चल रहा हूं, वापस आऊंगा इस पे। नहीं, मैंने आपको एक बात बताई। आपने बात बताई, सवाल का जवाब, सवाल ये था कि इन लोगों से दोस्ती होती कैसे, मतलब मैं कैसे शेख रशीद का दोस्त बनूं, फोन करूं तो उठाएंगे नहीं, फोन उठाएंगे नहीं, मुझे कौन है, तो भाई तू कौन है? अभी दोस्ती कैसे हुई थी, दोस्ती बहुत पुरानी थी मेरी उनके साथ। स्टार्ट कैसे हुआ? तभी आई थिंक स्टार्ट कैसे हुआ था, शेख साहब मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी एक पार्टी थी, उसमें आए हुए थे, और उन्होंने मुझे मुतारफ करवाया कि ये शेख रशीद साहब हैं। तो मैंने कहा शेख साहब मैं आपकी बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ये बस खत्म, शेख साहब ने नहीं, शेख साहब ने सीरियसली, शेख साहब ने कहा तुम्हारे पास मेरा नंबर है? तो मैंने कहा नहीं, शेख साहब ने खुद ही लगा लिया, कहते बहुत आसान है, जल्दी जल्दी नोट करो। मैंने क्या कहते हैं है आसान, समझ गया मैं। हाँ जी, आप रखते होंगे आसान, उनकी जरूरत है आसान रखने। ठीक है, तो फिर मैंने कहते हैं मुझे, और उन्होंने उसको कहा अपने नंबर से मुझे मिस कॉल दें, तो मैंने उसी वक्त मिस कॉल दी, फिर शेख साहब से मेरी बात होती है। फयाज चौहान जो है, उनका फैन होना मुश्किल काम है।
उनका फैन होना मुश्किल काम, उनको मतलब ऐसा उनसे मोहब्बत होना ही मुश्किल। उनसे कैसे दोस्ती हुई? उनसे दोस्ती ऐसे हुई थी कि हमें एक ऐसी वो था, फ्रेंड जब बैठते थे तो कोई ना कोई फन करते होते थे, और मुझे हमेशा मजाक उन लोगों के साथ करना अच्छा लगता था जिनका कोई नाम हो या जो मतलब ऐसे हो कि जिनके साथ फन करके आप खुद भी इंजॉय करना। हाँ, मुझे हमेशा से, तो वो हम लोग एक्चुअली गूगल या कहीं पे हम वो उसके नंबर नहीं, एक हैकर था, मैंने कहा हम मुझे सारे मिनिस्टरों के नंबर सेंड करो, ठीक है। ये सच बोलना चाहिए, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, मुकज़िबीन पे अल्लाह की लानत है जो की है, मतलब सही है सही है, यही तो चाह रहे हैं इसी शो का नाम, दुकान इसलिए खोली है कि बहुत सारे उनके नंबर हैं, तो हमने कहा हम ट्राई करते हैं कौन सा उठाते हैं कौन सा, उसमें इकरार हसन साहब, वसीम बदामी साहब, तो उनको हम कॉल करते थे, वो बात ही नहीं करते थे, फोन ही नहीं उठाते शरीफ थे। वो नहीं पसंद। इकरार हसन साहब ने कभी कॉल नहीं उठाया, वसीम बदामी से हमारी मुलाकात हुई, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जिस मिनिस्टर को करें वो फोन उठाए, अच्छा जी क्या हाल है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, अच्छा जी मुलाकात करनी है, ये वो ना, वो खुद ही फंस जाते थे। और जो किसी टीवी या एक्टर थे या इस तरह के थे, उनको आप कॉल करते रहो कभी भी आपकी मतलब नो कॉल, तो हमने इनको कॉल की तो ये इजिली। अच्छा, यही तो मसला है, यही तो ये है सियासत का हाल, ये है जमहूरियत। वहाँ से नंबर लिया था हमने, तो फिर उन्होंने कहा कि लाहौर आए तो मेरे ऑफिस आए, फिर हम मैं और मेरी फ्रेंड संदल उनके ऑफिस में गए थे, फिर हमारे फिर चिरागों में रोशनी आ रही। वेरी गुड, बहुत अच्छे सवाल हैं आगे, बहुत अच्छे सवाल हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्लास ट्रेवल कर रही हैं, फाइव स्टार में रह रही हैं, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब टिकटॉक से मैनेज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह? नो, टिकटॉक से नहीं, टिकटॉक मैंने कहा टिकटॉक के थ्रू आपने अर्निंग किया, लेकिन टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हाँ उसके मुतबादल अभी एक्सपोजर मिलता है या उसके मुतबादल अभी एक आया है स्नैक ऐप, जिन्होंने हमें हायर की, और मतलब स्टार्ट में ही उन्होंने 4,85,000 समथिंग के हमें चेक किए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, लाइकी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो इन लोगों ने पे किए, जैसे स्नैक ऐप हो गया, लाइकी हो गया, सब ने, लेकिन अभी तक टिकटॉक ने पे नहीं किया। और मैं अभी तक 3 कंपनीज की चूंकि ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो। अब सवाल ये आएगा, वैसे टेलीफोन का जितना सही इस्तेमाल आपने किया है, तो ये काम सीखा इकरारुल हसन से तो नहीं सीखा आपने? इकरारुल हसन साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके प्रोग्राम से मैं बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फोन का इस्तेमाल होना चाहिए ना, आप बाद में आप पे इल्जाम लगे, इससे पहले आप लोगों को दिखाओ हकीकत। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द टर्कीस्ट ऑफ देम ऑल? पब्लिक फिगर में ठरकी, हाँ। पब्लिक फिगर में मतलब जितने ठरकी आपके ये पॉलिटिशियन है इतना कोई नहीं है, क्योंकि इनको सबसे मतलब बड़े बड़े ओहदों पे सीटों पे बैठ के हैं ये लोग, और इनको पता नहीं है कि हर चीज़ को इस्तेमाल कैसे करने और लोगों को और हुकूमत को लेके कैसे जाने, तो मेरे ख्याल में ये जितना ये लोग हैं, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, हॉस्ट हो गए या वो हो गए, उनको फिर अपनी इज्जत नफ्स की थोड़ी बहुत वो होती है कि नहीं हमने ऐसा नहीं करना, या कुछ मतलब थोड़ा रिजर्व रह के कि हम पब्लिक फिगर बन गए हैं, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे इशू हो सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन इतने बेफिक्र हो के लाइफ गुजार रहे हैं कि उनको परवाह ही नहीं है, सवाल होगा कभी जो हो हो बस, उनको मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनमें भी दर्जाबंदी है कि यार चलो ये प्राइमरी लेवल का ठरकी है, वो सेकेंडरी लेवल का, वो कैम्ब्रिज लेवल का, ठरकी थे तो मेरे ख्याल में उनको सीटें मिली, अगर ठरकी ना तो फिर किसी क्या मिलता हूं? जन्नत मिल जाती है इस्लामी जमात में होते, अभी तक उनको क्यों नहीं मिली जमात इस्लामी वालों को? बड़ी 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 अच्छी बात के मौलाना को क्यों नहीं मिली? उन्हें तो मिल जाती है यार, उन्हें मिलती है अकेले को, UI के मतलब एक ही बोल, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जमात इस्लामी वालों को तो आज तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, अच्छा एक हमने आपका बयान देखा कि जो अभी स्लोगन है औरत मार्च होता है यहाँ पर, उसमें स्लोगन था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप इसके खिलाफ आपने कहा कि मैं इसको नहीं मानती, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं, क्या सेटअप है इसका? देखें, इस्लाम ने जिस तरह औरत को हकूक दिए हैं वो कोई मजहब भी नहीं दे सकता, और ना वो अब हम कौन से हकूक की वो कर रहे हैं, पासदारी कर रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी हम क्या साबित करना चाहते हैं? हकूक जो हमें मिलने थे मिल चुके हैं, हाँ अगर हम उन चीज़ों के खिलाफ खड़े हों जहाँ पे औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हरीम शाह लीड कर रही होती औरत मार्च को तो क्या नारा होता उस बैनर पे? मैं ये कहती कि औरत को जॉब से ना रोका जाए, तालीम से ना रोका जाए, उसकी मर्जी की शादी करने से ना रोका जाए, तो
तो मैं इन चीजों के लिए हक तो वो यही तो कह रही है मैं भाई हम हैं हमारी नहीं देखें वो सबसे पहले कि खाना खुद गर्म कर लो तो खाना शादी ही ना करो अगर शादी की है तो मर्द आपका मजाजी खुदा है तो वो इस्लाम ने एक बता दिया कि आपका वो हुक्मरान है मजाजी खुदा है आपने अगर उसकी नहीं मानी तो आप मलून हो जाएंगी लानत ज़दा हो जाएंगी तो मतलब ये तो फिर खाना खुद गर्म कर लो कहाँ से मतलब औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शोहर की वो करना तो फिर अगर आप फिर अगर आप उनके लिए खाने नहीं गर्म कर सकती उनके मतलब कपड़े नहीं धो सकती तो शादी ही ना करें फिर इससे कवारी घर में बैठ जाएं। अब माशाल्लाह से इतना आपने काम किया है और इतना बड़े बड़े काम कर चुकी हैं कि मुझे शक सा है कि कहीं आपको कोई रमजान शो ना ऑफर हो जाए। नहीं मुझे अभी भी मेट्रो की तरफ से रमजान ट्रांसमिशन मिले ऑफ कोर्स आज सुबह भी मेरी दो तीन दिन से उनके साथ वो हो रहे हैं कोऑर्डिनेशन चल रही है ठीक है। बिलावल भुट्टो या वकार ज़का दोन कर नहीं 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 हरीम एक लेना है आपको बाकी हम कुछ और को देंगे। वकार ने देखा ना अच्छा बिलावल वकार ज़का तो खुद भी अपने लिए काफी है भाई। अच्छा फिल्म में अगर ऑफर आई भी होगी आई एम श्योर मुझे एक ही दफा एक ही चीज क्यों एक ही चीज एक डायरेक्टर था मुझे कहते हैं फर्स्ट तो ये कि आप वो कर आपको डांस आता है मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं आता कहते हैं कि एक हम मूवी बना रहे हैं तो आप अपने आप को स्लिम करें इतना वेट कम करें और पता नहीं कौन कौन सा और ये करें और डांस थोड़ा सा सीखें मैंने कहा कपड़े कैसे पहनने होंगे कहते हैं कि वो आपने पहनना ये होगा कि उसमें आपका बेली भी नज़र आ रहा हो और बैक भी नज़र आ रहा हो तो मैंने कहा थोड़ी बहुत जो घर में से बंदूकें लेके अभी नहीं निकले तो ये किया तो उसके बाद तो मौत मेरी पक्की है तो मैंने कहा कोई अच्छा रोल दे देते एक्सेप्ट ही कर लेती मुझे मूवी में आके आप सबसे पहले मुझे मुजरा करा रहे ना मुझे कुछ आ रहा था ना कुछ तो मैंने नहीं किया था। लेकिन आपके ऊपर अब फिल्म बन रही है नेटफ्लिक्स पे आएगी उससे या वो एक राइटर ने लिखा और मुझे किया कि आप करें तो मैंने कहा चलें कोशिश कर लेते हैं। वो आपकी बायोपिक है आपके ऊपर ही है वो काफी हद तक अभी तक मतलब अभी से बन गई बायोपिक लोग मरने के बाद बनवा रहे हैं बायोपिक अभी तो अभी जिंदगी इतनी बाकी है उर्दू फ्लिक्स में एक्चुअली मैंने कहा कि मैं अपने जीते जीते सब कुछ देखूं ना मरने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा अगर किसी ने बना भी होगी पर हां देख पाएंगे वेरी गुड वेरी इंटेलिजेंट हरीम बहुत चलाको भाई। अच्छा तो फिल्म में अगर ये घर से बंदूकें ना निकलती ना निकले अगर बोले अच्छा चलो ठीक है बेटा जो करना है कर लो तो आइटम नंबर कर लेंगी। आइटम नंबर करने के लिए आपको कोई फिगर चाहिए होते सेक्सी समय क्या इतने मोटे जिस्म के साथ आइटम नंबर करूंगी तो आपको आप कभी नहीं करूंगी अच्छा सिर्फ यही मसला है आप मेरे लोग जो थोड़े बहुत फैन है वो भी भाग जाए मेरा आइटम नंबर देख के तो इससे पहले एक्सेप्ट क्यों करूं। सही बिल्कुल ठीक है जो आपकी मर्जी मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलें हरीम थोड़े से हिप सवाल पूछता हूं आपसे ये बताएं सो रही हैं गहरी नींद सुबह उठी मुफ्ती कवि बन गई सो रही थी सुबह उठी मुफ्ती कवि बन गई नहीं अल्लाह ना करे मैं मुफ्ती कवि पहला रिएक्शन क्या होगा अभी तो उनको मुफ्ती ना बोले ना वो तो कवि बन गई। अरे कवि साहब हमारे बहुत लेजेंड एक्टर हैं मासूम अच्छे से आते हैं उनका नाम ना समझ जाए ना लोग तो मुफ्ती कहना पड़ रहा है इस चक्कर में। अच्छा कवि साहब से मेरी मुलाकात हुई है सच है ना लेजेंड बिल्कुल उस कवि में और इन कवि में क्या फर्क है वो कवि एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि मतलब उनसे आप मुतासर होते तो मेरे ख्याल में ये कभी से मिलके आपको नहीं लगा मुफ्ती कवि से कि ये कोई इस्लाम की नुमाइंदगी है। हाँ जब हमारे सामने मौलाना तारिक जमील साहब जैसे अजीम आते हैं तो हम मतलब एक कप को दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं बिल्कुल उनकी जब हम सुनते हैं गुफ्तगू सुनते हैं तो मतलब उनकी गुफ्तगू ऐसे होते हैं कि जैसे दरिया के अंदर आप पत्थर फेंको और वो तय पे जाके लगे तो कवि जैसे तिनका दरिया के ऊपर हो और वो पानी से बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। अच्छा हरीम मार्च पे जा रही हैं आप सही है मफरूजा है मार्च पे नहीं जा रही आपकी वजह से मार्च हो जाएंगे दो तीन आप नहीं जा रही मैं कह रहा हूँ मार्स नहीं है वो प्लेनेट है मार्स मरीख पे आप जा रही हैं जा वो एक कंपनी है टेस्ला वो एक स्पेसशिप भेज रही है वन वे वो वहां जाएगी वापस नहीं आएगी ठीक है तो आप क्या चाहती हैं कौन से ऐसे चार लोग हैं जिनको उस पर बिठा के भेज दिया जाए जो वापस ना आए वापस नहीं आएगा जब वापस ना आए उसमें सबसे पहले कवि को भेज दें कवि को भेज दें कवि बैठ जाओ बेटा दूसरे नंबर पे मुझे भेज जाना उन्हीं के साथ है आपको वो तरह उसको तरह भेज दें उसको भाई उनको लेके गायब हो जाऊं ताकि यंग जनरेशन तो खराब ना हो ना वाह वाह क्या बात है क्या कुर्बानी है इस अजीम औरत इस अजीम औरत की कुर्बानियां चेक करें आप। हरी में छोटा सा इंप्रोव गेम खेलेंगे बैठ बैठ तसली मैं क्योंकि आपको हमने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लगाना है आप हमारा वो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और टारगेट हमारे ट्रंप साहब ठीक है। अब मैं ट्रंप हूँ
और आप हैं वो ही हैं आप जो हैं हरिमशा, ठीक है, और आपने मतलब मुझे करना है उस तरह से जो कवि के साथ हुआ है। I am Donald Trump and I have the biggest budget in the world. डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो आपको मुंह लटका हुआ ही नहीं है। कैसे लटकाऊं, कैसे बनाऊं कुत्ते ये सब। आप तो अभी ही होके क्वेश्चन करें, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थैंक यू, कम से कम अच्छा तो लगता हूँ। शेखू कौन है भाई? शेखू का नाम आपने कैमरे में ये तो नहीं कहा शेखू साहब क्यों हुए, वो देखेगा कि पहले मैंने शीदा टली से वो पूरे मीडिया से घूमा और मुझे शीदा टली। आरेम कैसी है आरेम यार, अभी मैं बस क्लासी बोला रहा था, क्या क्लासी बोला रहा था ये, उन्होंने कहा अभी क्यों नहीं कर रहे, बकवास ना करो। बकवास बात करा यार भाई, ये पाकिस्तान में सुनना कहेगा मुझे, फिर शो में जाके बेइज्जत किए था। नहीं नहीं, शेख साहब जो है ना, एक भाव है शेख साहब, अगर आप ये शो देख रहे हैं शेख साहब, आप जो है ना वो शेख साहब की जब नई तस्वीरें ली, मैंने कहा शेख साहब कोई आपने लिए प्यारी सी लड़की तो पकड़ लेते, मैं टेलीविजन स्क्रीन पे चलता हूँ अच्छा तो लगता पहले क्या लेवल गिरा हुआ था और गिरा दी, वो असली थी ओरिजिनल शेख साहब पे तो मुझे यकीन है ऐसे काम कर सकते हैं। कोई इम्प्रूव गेम नहीं होगा इस शो में, लेकिन शेख साहब आपको मैं कहना चाहता हूँ कुछ कहना चाहता हूँ शेख साहब को, कुछ क्यूट शेख साहब को कुछ कहना, मुझे पसंद बहुत है, सबको पसंद वो, चाहे आप सर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो है तो है ना, जो है मतलब है, और हमें पता भी तो है, सबको पता है, पता है क्या ये शेख साहब, शेख साहब मैंने कहा जब रेल चली थी उनकी उसमें, तो मैंने कहा शेख साहब आप अगर रेलों की तरफ तवज्जो देते तो ये हाल ना होती, लेकिन काम से ज्यादा जब दूसरी चीजों को आप फोकस करेंगे टारगेट करेंगे तो आप अपने मिशन से ही दूर चले जाएंगे। एग्जैक्टली लेकिन शेख साहब का ऐसा है कि शेख साहब जो हैं वो उनके बारे में सबको शक यही है, शक नहीं यकीन है, यकीन है हमें, हमें यकीन है, तो उनको आपको छुपाने की क्या जरूरत है, हमें पता है ऑलरेडी, वो तो फिर स्टेटमेंट ही नहीं देते होते, हाँ नहीं वो इग्नोर मार देते, वो स्टेटमेंट भी नहीं, उन्होंने खुद सबसे पहले कहा था कि दूध घर में मिले तो बहन से क्या फायदा, एग्जैक्टली शादी इसीलिए नहीं की ना, वेरी गुड सर, वरना शेख साहब जैसे लोग होते तो अभी तक 5-6 बटाई आई थिंक। शेख साहब तो अब इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ठीक है, हजरात हमारे साथ मौजूद थी हरीम शाह, जिन्होंने आज आके तबाही मचा दी, वेट करिएगा इस एपिसोड का, और अभी से बता रहा हूँ मैं 2 हफ्ते ट्रेंडिंग नंबर। थैंक यू हमारे हरीम शाह।